मूवी के स्टार्ट में हमें साल 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट इंडिया आया होता है। साथ ही वो इंडिया के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट से मिलता है जिसका नाम सतनाम होता है, जहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि सोलर फ्लेयर के कारण पृथ्वी का कोर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, जिससे कुछ ही समय में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। ये सुनकर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट वो वापस यूएस लौटकर वहां के प्रेसिडेंट को सारी बात बताता है। ये सभी बातें सुनकर और यूएस प्रेसिडेंट कई देशों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसके बारे में बाकी लोगों को पता चले और लोगों में दहशत का माहौल बन जाए। वो सभी मिलकर ये तय करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर चीन को भी ये सब पता चल चुका होता है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि चीन बहुत ही विशाल तरह के आर्क बना रहा होता है, जिसमें एक आर्क में तकरीबन 1,00,000 लोग रह सकते हैं, क्योंकि जल्द ही पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। साथ ही इस आर्क में बैठने की टिकट बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। एक आदमी की कीमत 1 बिलियन यूरो होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इससे ये बात पता चलती है कि इस आर्क में केवल अमीर लोग ही बैठ पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 2012 का साल दिखाया जाता है, और ये वही साल है जब पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। वहीं पर हमें कैलिफोर्निया के एक ग्रह में आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक राइटर होता है। साथ ही वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है और उन्हें कभी कभी घुमाने ले जाता है। और आज वही दिन था जब उसे बच्चों को घुमाने ले जाना था, लेकिन उसे देर हो जाती है। जैक्सन जैसे तैसे जल्दबाजी में अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने बच्चों को लेकर एक पार्क में जाता है। लेकिन वहां जाकर उसको पता चलता है कि वो पूरी जगह अब तहस नहस हो चुकी है। साथ ही वहां पर एक तालाब होता है जो कि पूरी तरह से उबल रहा होता है, और उस जगह पर मिलिट्री ने एक बाउंड्री क्रिएट की होती है। लेकिन जैक्सन अपने बच्चों को लेकर उस बाउंड्री के पार चला जाता है, तभी वहां पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आकर उसे और उसके बच्चों को वहां से ले जाते हैं। और फिर जैक्सन पास के एक कैंप में पहुंचकर उसी जियोलॉजिस्ट एंड्रियन से मिलता है, जहां पर वो एंड्रियन उसे बताता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर यहां से दूर चले जाए। और फिर वो लोग एंड्रियन को छोड़ देते हैं। लेकिन जब एंड्रियन वापस आ रहा होता है, तभी एक अननोन पर्सन उस पर नजर रख रहा होता है। वो तुरंत उसके सामने आता है और वो कहता है कि आर्मी ने तुमसे क्या कही, पर जैक्सन उसे कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो यहाँ से जा रहा है। साथ ही जैक्सन उस जगह से कुछ दूर अपना एक कैंप लगाता है और रात वहीं पे गुजारता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को पीछा करते हुए वो जगह पे पहुंच जाता है, जहां पे वही आदमी जो कि जैक्सन को पूछ रहा था, वही वहां पे एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, जिसमें वो पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाता है कि जल्द ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। साथ ही वो आदमी जैक्सन को भी ये सारी बात बताता है, लेकिन जैक्सन उसे कुछ खास सीरियस नहीं लेता है और उसे लगता है कि वो अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट के चलते ऐसे ही कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। और फिर जैक्सन अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक्सन की वाइफ और उसके एक्स हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉल में होते हैं। लेकिन तभी वहां पर जमीन फटने लगती है, लेकिन जैक्सन की वाइफ और उसका एक्स हस्बैंड वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैक्सन की वाइफ बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। साथ ही जैक्सन अपने दोनों बच्चों को उसके यहाँ पे छोड़ देता है। दरअसल जैक्सन एक राइटर के साथ साथ एक बहुत बड़े बिलियनियर ड्राइवर भी होता है, यहाँ पर वो अपने बॉस के बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी एयरपोर्ट में भी जमीन पूरी तरह से फटने लगती है। तभी जैक्सन को एहसास होता है कि वो जंगल वाला आदमी बिल्कुल सही कह रहा था, हो सकता है कि पूरी दुनिया अब तबाह होने वाली है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचने लगता है, जहां पर वो अपने बच्चों और अपनी एक्स वाइफ को लेकर कैलिफोर्निया से निकलने लगता है। लेकिन पूरे कैलिफोर्निया तहस नहस हो रही होती है, बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आ रहे होते हैं। लेकिन जैक्सन जैसे तैसे काफी मुश्किलों के बाद एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां से एक प्लेन लेकर वो उसी आदमी की तलाश में निकल जाता है जिसने पिछली रात को ये सब उसे बताया था, क्योंकि सरकार जो सीक्रेट आर्क बना रही होती है उसका मैप उसी आदमी के पास होगा, इसीलिए वो मैप को लेने के लिए जा रहा होता है। वो प्लेन को रोकता है और जल्दी से उसी आदमी को ढूंढने लगता है, और कुछ वक्त के बाद वो आदमी उसे मिल भी जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है, जिससे आसमान से बहुत बड़े बड़े आग के गोले नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन जैक्सन को जैसे तैसे वो मैप मिल जाता है और वो वहां से निकलने में भी कामयाब हो जाता है। साथ ही पूरी कैलिफोर्निया तबाह हो चुकी थी। उसके बाद जैक्सन अपने बॉस के पास पहुंचता है, जहां पर वो लोग भी यहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जहां पर जैक्सन अपने बॉस से जिद करता है कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले। उसका बॉस मान जाता है और फिर वो लोग एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड्रियन को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से बात कर रहा होता है और काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपने फादर से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। और एंड्रियन आखिरी बार अपने फादर को गुड बाय कहता है। इधर पूरी दुनिया को भी ये बात पता चल जाती है कि अब अर्थ पूरी तरह से खत्म होने वाला है, जिससे लोगों में बहुत ही ज्यादा डर और भगदड़ का माहौल बन जाता है। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट ऑनलाइन आकर सभी से ये बात कहते हैं कि जल्द ही ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और आखिरी वक्त में उन्हें अपने परिवार और अपने चाहने वालों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो किन्हीं को भी रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट की बेटी और एंड्रियन को दिखाया जाता है, जो कि प्लेन में बैठकर चाइना की तरफ निकलने लगते हैं। जैक्सन और उसके बॉस को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी मुश्किलों से होते हुए चाइना पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं।
लगते हैं, लेकिन इस रास्ते में ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें उनके पायलट की मौत हो जाती है। सभी लोग प्लेन के बाहर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चाइनीज मिलिट्री आती है और वो जैक्सन के बॉस और उसकी फैमिली को रेस्क्यू कर लेते हैं। दरअसल पूरे अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, इसीलिए वहाँ पर यह आर्क बन रहा होता है वो जमीन भी इन लोगों से ज्यादा दूर नहीं होता है। लेकिन जैक्सन के बॉस के पास उस आर्क में जाने के लिए टिकट होता है, लेकिन बाकी लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए जैक्सन को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उस आर्क को बनाने वाले प्रोजेक्ट में शामिल था। वो उन लोगों को अपने साथ ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एंड्रीन को दिखाया जाता है जो कि अब आर्क में पहुंच चुका था, जहां पर उसे पता चलता है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया खत्म हो रही है और सभी बड़े बड़े जगह अब खत्म हो रहे हैं। साथ ही अब यूएस के प्रेसिडेंट भी इस दुनिया में नहीं है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एंड्रीन के पिता जो कि एक समुद्री शिप में होते हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ी सुनामी आती है जिससे उनका शिप तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वहीं पे मारे जाते हैं। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैक्सन और उसकी फैमिली और बहुत सारे लोग अब उस आर्क तक पहुंच चुके थे, जिसके अंदर जाकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती है क्योंकि जल्दी ही उनके आर्क से एक बहुत बड़ी सुनामी टकराने वाली थी। साथ ही जैक्सन का बॉस वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पिन कार्ड दिखाता है जो कि उसे मिला था, लेकिन फिर भी उसे अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सब सुनकर जैक्सन एक खुफिया रास्ते से अपने और अपने परिवार को लेकर वहाँ से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर एंड्रीन को पता चलता है कि सतनाम जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है, उसे लाने के लिए जो शिप गई थी वो उस तक नहीं पहुंच पाई और अब उसका दोस्त भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ देखकर एंड्रीन एक फैसला करता है और वो आर्क के सभी लोगों को कहता है कि हमें इंसानियत के नाते बाहर मौजूद सभी लोगों को अंदर आने देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन बाद में वो सभी एंड्रीन की बात को मान जाते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं। इधर जैक्सन और उसकी फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि आर्क का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ खराबी आ गई है। दरअसल उस आर्क के दरवाजे को बंद करने वाली मशीन में एक बहुत ही मोटी वायर फंस चुकी होती है और जहाँ पे ये वायर फंसी होती है जैक्सन उसके आसपास ही होता है। तभी एंड्रीन एक ब्रॉडकास्ट की मदद से सभी को बताता है कि आर्क का बाहरी दरवाजा बंद नहीं हो रहा है और उसके मशीन में कुछ फंसा और जब तक वो नहीं निकलेगा तो दरवाजा नहीं बंद हो सकता है। और धीरे धीरे वो पानी पूरे आर्क में घुसना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उस पूरी जगह में भगदड़ मच जाती है। जैक्सन भी इस बात को सुन लेता है और वो उस मशीन को ठीक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे ये बात भी नहीं पता थी कि वो उस वायर को निकालने में कामयाब होगा या नहीं। फिर भी वो अपनी फैमिली को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है और जैसे तैसे काफी मुश्किलों के बाद वो फाइनली उस वायर को वहाँ से निकाल देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन अभी भी वो बहुत बड़ी शिप इन लोगों के पूरे कंट्रोल में नहीं होती है और क्योंकि ये बड़ी आर्क एवरेस्ट के आसपास होती है जो कि बहुत ही ऊंचे जगह पे है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारा पानी भरने लगता है क्योंकि ये पूरी दुनिया पानी में समा चुकी थी। और देखते ही देखते इनकी आर्क एवरेस्ट में टकराने वाली होती है, लेकिन तभी वो जैसे तैसे अपने आर्क को कंट्रोल में लेकर उसे पीछे ले लेते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है। साथ ही अब इन्हें उस आर्क में रहते हुए पूरे एक साल और कुछ मंथ बीत चुके थे। पूरी दुनिया का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे वो एक जगह ठहरते हैं और अब पूरी दुनिया में केवल ये लोग ही बचे होते हैं। साथ ही जैक्सन और उसकी वाइफ फिर से पहले की तरह हो जाते हैं और इस तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।